ये यामा कंपनी के फसिनो 125 और 125 सीसी में रेट्रो डिजाइनिंग के साथ कोई स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, तो ऐसे में आप यामा कंपनी की फसिनो भी आपको पसंद आ सकती है। यामा कंपनी की फसिनो खरीदने के लिए आपके पास कितना बजट होना चाहिए, क्या माइलेज मिल जाती है, फीचर कौन कौन से मिल जाते हैं, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप यामा कंपनी का कोई भी बाइक या फिर स्कूटर खरीदने के लिए सोच रहे होंगे, अगर आप देवरिया उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं, तो भारत यामा शोरूम पे आप संपर्क कर सकते हैं। शोरूम का जो एड्रेस है आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जो कि गवर्नमेंट ITI कॉलेज के ठीक सामने है, देवरिया सलीमपुर रोड पर। कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आप कोई भी बाइक या स्कूटर खरीद सकते हैं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं यामा कंपनी की फसिनो की। तो यहाँ पे जो ये मॉडल मेरे सामने खड़ी हुई है, ये इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, मैट ब्लू कलर के साथ 2024 मॉडल। इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है, पहला तो ड्रम ब्रेक, दूसरा आपको डिस्क ब्रेक। तो ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, जहाँ पे आपको टोटल 6 का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ लेंगे तो वहाँ पर भी आपको कई सारे का ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो बेस मॉडल है ड्रम ब्रेक वेरिएंट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, तो फ्रंट से इसका लुक देख सकते हैं, जो इसका हेडलैम्प लुक है काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ मिल जाती है। जो अन्य जो सेगमेंट में स्कूटर्स आते हैं उसके मुकाबले में इसका हेडलैम्प लुक है काफ़ी अलग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिश मिल जाता है, पहले क्रोम कलर के फिनिश आते थे, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की फिनिश मिल जाएगा। मैट फिनिश यहाँ पर भी दिया गया है। जो इसका हेडलैम्प देख सकते हैं, कैनवास जो लेंस होते हैं वैसे आपको कुछ देखने को मिल जाती है, जो कि आपको हैलोजन के साथ मिलेगी। अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वगैरह लेंगे तो वहाँ पे LED लाइट मिलेगा, इसमें हेलोजन लाइट मिलता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको DRS मिल जाता है, यहाँ पे टर्निकेटर लाइट दी गई है, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर की फिनिश है ग्लॉसी फिनिश यहाँ पे दिया गया है। बाकी यहाँ पे मैट फिनिश दिया गया है, यामा का लोगो मिल जाता है। तो इसका ओवरऑल यहाँ पे जो फ्रंट का लुक है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे लुक के साथ मिल जाती है। तो यहाँ पे लुक देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे फ्रंट का जो फेंडर है काफ़ी बड़ा सा आपको मिल जाता है, जो कि आपको यहाँ पे मेटल बॉडी के साथ मिल जाती है, तो एक अच्छी चीज़ है, मेटल बॉडी बहुत ही कम देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो ब्लैक कलर का एलॉयस दिया गया है, जो कि ड्रम ब्रेक बेयरिंग के साथ मिल जाती है। साइड व्यू की अगर बात करें तो साइड से भी इसका लुक यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जो इसका साइड का लुक है, इसकी साइज़ आप देख सकते हैं। बाकी जो इसका सीट है वो भी देख सकते हैं, आपको काफ़ी कम्फर्टेबल सीट मिल जाती है, लंबी सीट दी गई है। पीछे यहाँ पर बिना स्प्लिट ग्रैब रेल भी दिया गया है, वहीं इसका साइड से लुक देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फसिनो का 3D में लोगो मिल जाता है, और इसका जो डिज़ाइनिंग है काफ़ी अलग आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको फाइबर बॉडी मिल जाती है, यहाँ पे आपको सेम ब्लैक कलर की डिज़ाइनिंग यहाँ पे भी दी गई है, जिसके वजह से लुक काफ़ी अच्छा लगता है। जो फ्लोर बोर्ड है देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा सा उठा हुआ है, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा पीछे की तरह ऐसे उठा हुआ देखने को मिल जाएगा, और जिसके वजह से जो पिलियन फुटपैक्स है यहाँ पर दिया गया है। बाकी सब स्कूटर्स में यहाँ पर पिलियन पैर रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर साइड में यहाँ पर दिया गया है पिलियन के लिए फुट रेस्ट। बाकी जो स्पेस है अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। जो फ्रंट का यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे कोई भी ग्लोव बॉक्स वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बस आपको एक टांगने के लिए हुक मिल जाता है, और सीट के नीचे यहाँ पे आपको कोई भी हुक वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो डिज़ाइनिंग है वहाँ पे देख सकते हैं। अगर रियर लुक की बात करें तो जो इसका टेल लैम्प लुक है ये भी देख सकते हैं, यू शेप में आपको यहाँ पर टेल लैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर यामा का लोगो दिया गया है। बाकी नीचे साइड देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, और रिफ्लेक्टर्स आपको इधर ही मिल जाएंगे। तो दोनों साइड से आप इसका लुक देख सकते हैं, इधर से इसका लुक देख सकते हैं, लुक वाइज काफ़ी यूनिक लगती है पीछे से। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट है आपको थोड़ा सा मोटरसाइकिल टाइप के जो एग्जॉस्ट आते हैं वैसे आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इधर से भी इसका लुक सेम वैसे ही देखने को मिल जाती है। तो आपने इसका लुक देख लिया है। वहीं इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 125 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि सिंगल सिलेंडर 2-valve फ्यूल इंजेक्शन इंजन मिल जाती है, एयर कूलिंग के साथ मिलती है। इसका जो इंजन है वो 6500 RPM पर 8.2 PS का पावर, जबकि 5000 RPM पर 10.3 NM का टॉर्क जनरेट करती है। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको किक स्टार्टर भी देखने को मिल जाता है, बाकी पावर अच्छा जनरेट करती है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पावर है बैटरी के थ्रू भी मिल जाती है। बाकी सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करें तो यहाँ पे फ्रंट के साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, और रियर के साइड आपको यूनिट स्विंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीछे की साइड आपको यूनिट स्विंग यहाँ पे सस्पेंशन दिया गया है, सिंगल स्प्रिंग आपको यहाँ पे देख सकते हैं, सस्पेंशन सेटअप देखने को मिल जाती है। बाकी जो टायर साइज है वो भी देख लेते हैं, तो रियर के साइड अगर देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी चौड़ा टायर मिल जाता है, 110/90 का 10 इंच का यहाँ पे ट्यूबलेस टायर दिया गया है। जो इसका चौड़ाई है वो यहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी चौड़े यहाँ पे आपको टायर्स मिल जाते हैं, इसके पैटर्न आप देख सकते हैं। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। बाकी फ्रंट का जो टायर है वो भी देख सकते हैं, आपको फ्रंट में 90/90 का 12 इंच के यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं, तो रियर में आपको 10 इंच और फ्रंट में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। ये ड्रम ब्रेक वेरिंग के साथ मिल जाता है। अगर आप इसका डिस्क ब्रेक वेरिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा, जो कि सेम लुक के साथ यहाँ पे खड़ी है, देख सकते हैं यहाँ पे डिस्क ब्रेक भी मिल जाता है। तो ड्रम ब्रेक डिस्क ब्रेक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं।
बाकी इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स आपको कौन कौन से मिल जाते हैं, तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट मिलता है इस वेरिएंट में। तो इसमें आपको और डिस्क ब्रेक वेरियंट लेंगे तो वहाँ पर LED मिलेगा, इसमें हैलोजन मिलता है। तो इसको एक बार जला के आपको दिखा भी देखते हैं। तो इसका हेड लैम्प देख सकते हैं, ये आपको हैलोजन के साथ मिलती है। बाकी जो DRS है वो इसके फ्रंट में दिया गया देख सकते हैं, और यहाँ पे टर्निकेट लाइट दिया गया है, तो टर्निकेट आपको दिखा देंगे। पहले आप इसका हेड लैम्प लुक देख लीजिए, ये इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, तो आपको यहाँ पे हैलोजन लाइट मिलता है। बाकी डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे LED लाइट मिलेगा। बाकी जो इसका इंडिकेटर लाइट है वो भी यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका DRS आप देख सकते हैं, हैलोजन के साथ मिलता है ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट में। बाकी इसके दूसरे फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आपको ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, तो इसलिए यहाँ पर बेसिक सा एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट वगैरह दिए गए हैं, यहाँ पे आपको स्पीड, ऑडोमीटर और फ्यूल की जानकारी मिल जाती है। तो इस वेरिएंट में आपको बेसिक सा यहाँ पे एनालॉग मीटर मिलेगा। अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इसके पहले भी, अगर आप डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ जाना चाहते हैं जो कि YAMAHA Y ऐप कनेक्ट कीजिए, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये फुली डिजिटल डिस्प्ले के साथ आती है, जिस यहाँ पे आपको कॉल, SMS अलर्ट वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट में आपको मिलेगा फुली डिजिटल डिस्प्ले। लेकिन अगर आप ड्रम ब्रेक वेरिएंट लेंगे तो यहाँ पे आपको बस यही एनालॉग मीटर मिलेगा। स्विचेस की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हेड लैम्प, हाई बीम, लो बीम स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर स्विच दिया गया है, हॉर्न मिल जाता है। तो एक बार हॉर्न भी आपको इसका सुना देते हैं, तो अच्छा खासा इसमें हॉर्न भी सुनने को मिल जाती है। बाकी दूसरे साइड देखेंगे तो ऑटोमेटिक स्टार्ट एंड स्टॉप स्विच मिल जाता है। बाकी यहाँ पे स्टार्ट का बटन दिया गया है, इसमें आपको साइलेंट स्टार्टर मिल जाता है, स्टार्ट करने पर थोड़ा भी आवाज़ नहीं करती है, तो एक अच्छा फीचर्स है। तो यही सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्रंट में कोई भी यहाँ पे ग्लोव बॉक्स वगैरह नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी जो की है वो आपको दिखा देते हैं। तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे इसमें की मिल जाएगा, इसकी की डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, यामाहा के लोगों के साथ मिल जाता है। और ये मल्टी फंक्शन की स्विच है, यहाँ पे आप की लगाएंगे और इस साइड करेंगे तो इसका जो फ्यूल फिलिंग है सीट के नीचे का वो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपको अच्छा खासा स्पेस के साथ मिल जाता है। आप फेस हेलमेट वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ और सामान वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं टूल किट वगैरह यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे लगा सकते हैं, तो स्पेस इसमें बच जाता है सामान वगैरह रखने के लिए। वहीं जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है यहाँ पे देख सकते हैं, वो अंदर दिया गया है, 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है, E20 फ्यूल कैपेबल है, E20 की बैजिंग मिल जाती है। तो ये आपको थोड़ी कमी लग सकती है कि सीट से ओपन हो, सीट से उतर कर आपको पेट्रोल भराना होता है, लेकिन एक तरह से सेफ भी होता है। तो अंडर सीट स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी USB चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं मिलता है, आपको एक्सेसरीज के तौर पे अलग से लगवानी पड़ेगी। तो ड्रम ब्रेक वेरिएंट में ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी माइलेज की बात करें तो इसमें आपको आराम से 50 का माइलेज मिल जाता है, बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे रोडों पर चलाते हैं। वहीं इसके कुछ डायमेंशन की बात करें तो इसका जो व्हील बेस है 1280 mm है, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 145 mm तक देखने को मिल जाती है। सीट की हाइट यहाँ पे 780 mm है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.2 लीटर दी गई है, और इसका वेट जो कि सबसे कम है 99 kg तक, 125 kg में सबसे हल्की आपको स्कूटर देखने को मिल जाती है। बाकी जो इसकी सीट हाइट है वो एक बार बैठकर आपको चेकआउट करा देते हैं कि बैठने के बाद कैसा लगता है। तो एक बार चेकआउट करा देते हैं कि आपको हाइट कितना होना चाहिए इसको चलाने के लिए। मेरी जो हाइट है 5'7" है, और जो इस फसिनो का जो सीट हाइट है 780 mm है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो दोनों पैर हैं ईजिली दोनों नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पर मुझे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जो इसका हैंडलिंग है वो भी यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। जो यहाँ पे जो हैंड है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि जो हैंडल बार है वो आपको देख सकते हैं कुछ ऐसा मिल जाता है। और अगर आपकी हाइट बहुत ही छोटी है तो आप आगे भी आके ऐसे चला सकते हैं, जैसा आप कंफर्टेबली वैसे चला सकते हैं। मेरी जो हाइट है मेरे हिसाब से काफ़ी कम्फर्टेबल है, मेरे आराम से पैर दोनों ईजिली नीचे आ जा रहे हैं, तो मैं कैसे भी ट्रैफिक में चला सकता हूँ। बाकी जो लेग स्पेस की अगर बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो पैर हैं ईजिली यहाँ पर आ जा रहे हैं। बाकी जब इसको ऐसे मोड़ेंगे देख सकते हैं, यहाँ पर पैर यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो ईजिली आप इसका टर्न भी ले सकते हैं, तो रेडियस इसका देख सकते हैं। बाकी स्पेस अगर देखा जाए थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे कम लग सकता है दूसरे अन्य स्कूटर्स के मुकाबले में, क्योंकि यहाँ पे जो स्पेस है थोड़ा सा यहाँ पे यूटिलाइज इसकी डिज़ाइनिंग में कर दिया गया है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये कंफर्टेबल है। छोटे साइज़ की अगर जो हाइट जिनकी हाइट थोड़ी सी कम है और हल्की स्कूटर चलाने चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी हल्की स्कूटर भी लग रही है, मात्र 99 kg तक है। बाकी अगर आपकी हाइट बहुत ही कम है तो आप शोरूम पर विजिट करके अपना जो हाइट है वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने अपने तरफ से यहाँ पर आपको दिखा दिया है। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है उसको भी आपको सुनाते हैं, तो काफ़ी साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है, अभी स्टार्ट होगा सुनेंगे थोड़ा भी ये आवाज़ नहीं करती है, देख सकते हैं स्टार्ट हो गया और पता भी नहीं चला है। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट साउंड है वो आप सुन सकते हैं, कुछ ऐसा साउंड करती है।
तो स्कूटर ज़्यादा यहाँ पे साउंड भी नहीं करती है, साइलेंट स्टार्ट मिल जाता है, तो एक अच्छी फीचर है। बाकी इसके प्राइसिंग की बात करें, आपको किस प्राइस रेंज में मिल जाएगी, तो आपको डिस्क और ड्रम दोनों वेरियंट के साथ मिल जाती है। अगर ड्रम ब्रेक वेरियंट के साथ लेंगे तो इसका एक्स रूम उत्तर प्रदेश में प्राइस है 81,035 यानी कि 81,035 रुपये तक है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 99,979 रुपीज़ तक, लगभग 1 लाख के आसपास ऑन रोड प्राइस देवरिया उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो अगर आपका 1 लाख का बजट है तो फसिनो का ड्रम ब्रेक वेरियंट आप ले सकते हैं। बाकी डिस्क ब्रेक वेरिंग के साथ जाएंगे तो वो लगभग आपको 10,000 रुपये तक ज़्यादा इससे महंगी मिलेगी, जहाँ पे आपको कनेक्टिविटी फीचर मिल जाएगी, डिस्क ब्रेक मिल जाएगा और कलर ऑप्शन भी आपको दूर से देखने को मिल जाएंगे। यामा कंपनी की फसिनो आपको कैसी लगती है? लुक वाइज तो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हल्की भी है, जिनका जो हाई टेक कम है वो भी इजीली चला सकते हैं, जिसको ज़्यादा भारी स्कूटर नहीं चलाना है। बाकी हैवी टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाती है तो पावर भी अच्छा खासा मिल जाता है, माइलेज भी अच्छी मिल जाती है, लेकिन ख़रीदने के लिए आपके पास कम से कम 1 लाख का बजट होना चाहिए तो आपको ऑन रोड ये मिल जाएगी। बाकी अगर आप देवरिया से बिलोंग करते हैं तो आप भारत यामाहा शोरूम से आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है, फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।